मैं बीएन मिश्रा आज फिर एक बार हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें। मैं क्वेश्चन 12 तक बताया था मैं कल, और आज बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स चारों शीर्ष किसी वृत्त पर हो, वही कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। इसे ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज ये है। तो कंडीशन होता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ए और सी इसका योगफल दोनों को जोड़ दिया जाए, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। ये दोनों कंडीशन सत्य है। ये बी प्लस डी इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। इसको कहते हैं साइकिल क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? साइकिल क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। चक्र से मतलब है चक्रीय, जिसके चारों बिंदु वृत्त पर हों चक्रीय होते हैं। मान लीजिए आ गया चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं? तो जो शीर्ष वृत्त पर होते हैं चक्र पर होते हैं, चक्र भी गोलाई होता है, गोला वृत्त की तरह ही होता है। तो उस पर यदि है तो उस पर हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो भाई थ्री दिया ए प्लस सी बराबर 180। देखिए ए अब यहां बनाते हैं इस फिगर को। ए बी सी डी ठीक है। थ्री वाई माइनस फाइव दिया हुआ है बी का मान, 3y-5। ए का वैल्यू दिया है 4y+20 और c का मान दिया है -4x और d का मान दिया है, इसको यहां लिखता हूं -7x+5। तो अभी मैं बताया हूं कि ए प्लस सी माने अपोजिट एंगल ऑफ द साइकिल क्वाड्रिलेटरल सम 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इसको देखो तो बी प्लस डी बराबर पहले लेते हैं, बी प्लस एंगल डी बराबर 180। 3y-5+ इसको लीजिए -7x+5 = 180। 180 3y-5 अब प्लस माइनस कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 7x+5 बराबर 180। -7x+3y +5-5 कट गया बराबर 180 या 7x-3y बराबर -180। समीकरण नंबर एक। अब ये प्लस ये बराबर यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल सी क्या है? एंगल ए 4y+20 +-4x बराबर 100। 4y+20 -4x = 180। -4x+4y अभी इधर चला जाएगा 180-20। -4x+4x -4y = 160। घट गया ना, चार से भाग दे दीजिए, x-y बराबर 4 चौको 16।
ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरण को हल करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हल किया जाए, हल करें, आप करेंगे, चलिए आप करें, यदि नहीं समझ में आता है तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं अगला, देखिए यहां माइनस से भाग दिया गया है तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, तो ये इसका भी जो आंसर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण दो है, दोनों को हल करें। यदि हल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो फिर मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन लेते हैं आगे, 3x प्लस 2y बराबर 11, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। अब इसको हल करना है आपको, कैसे करेंगे देखिए, विलोपन विधि से बता रहे हैं। ये 4 है ना, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 है, 3 का इसमें कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। करेंगे तो 4 3 12x, 3 4 12x बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाई 3, मैंने इसमें 3 से घटाएंगे, घटाते कब हैं जब ये दोनों एक ही चिन्ह हो, आ जोड़ते कब हैं जब विपरीत चिन्ह हो और बराबर हो। घटाने पर चिन्ह बदलता है तो 0 हो जाता है कट के, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, जब प्लस माइनस रहेगा तभी कटेगा। अब ये 4 3 12x प्लस 4 2 8y और 11 4 44, यहाँ 12x माइनस 15y बराबर 7 3 21। अब घटाने पर माइनस प्लस माइनस कट गया, अब प्लस प्लस हो गया, 15 और 8 23y। अब इसमें से ये घटाइए, 3 2 23 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब ये 23y इज इक्वल टू 23 y इज इक्वल टू 23 y इज इक्वल टू 1। अब 1 का वैल्यू y का मान किसी में भी रख दीजिए, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 11, वाई बराबर 1 रखिए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y माने 2, ये इधर चला जाएगा, 3x 11 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई 9x बराबर 3, x इज इक्वल टू 3/9 1/3। बात समझ में आया। अब इसमें आ गया आपका x बराबर 1/3 और y बराबर 1, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात। इसको एक दो बार लगाएं और जहां दिक्कत हो वहां फिर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।